हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी की ओर से व्यापारियों की प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टेट ऑफिस से नवीन गुड़िया विशेष रूप से व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए शामिल हुए। इस दौरान उद्योगपति इस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली से नाराज भी दिखे। बता दें कि यमुनानगर जिला मेटल उद्योग का हब माना जाता है और यहाँ पर तांबे, पीतल, स्टील और मेटल के बर्तन बनाने की लगभग 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। इंडस्ट्रीज जो उद्योगपति है इन्हीं की बनाई हुई एक संस्था है जिसको सरकार द्वारा भी सहयोग रहता है। ये संस्था जो है गेपिल जो एक कंपनी है जो हमारे यहाँ से वेस्ट उठाती है स्लज। जब हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद स्लज इकट्ठा होता है तो वो जो स्लज उठाती है वो गेपिल है। ये हेम्स ही गेपिल को आगे मॉडरेटर का काम करती है। हेम्स ने ही बनाया है, गेपिल को अपॉइंट किया अपने साथ। उसी की आज जैसे डिमांड हो रही थी कि गेपिल एक फिर मोनोपोली हो गई तो हम इसके लिए क्या कोई और संस्थाएं भी ढूंढ सकते हैं। गेपिल जो है मैं आपको जैसे बता रहा था हम अपनी फैक्ट्रियों के अंदर पानी को ट्रीट करते हैं, साफ पानी को हम बाहर निकाल देते हैं। जो उसके बाद स्लज निकलता है वेस्ट मटेरियल जो पानी में से भी आप कह लें गंदा माल निकलता है वो गेपिल उठाती है। गेपिल का काम ही है वो, उसको अपने वहाँ ले जाके उसका वहाँ ट्रीटमेंट करती है और फिर ये कहीं जगह पे काम आते हैं जैसे लैंडफिल में भर्ती के काम आते हैं। उसको इस तरीके से बना देते हैं कि वो भर्ती के काम। जी उद्योगपति यहाँ पे बहुत नाराज़ थे गेपिल की वर्किंग को लेकर। अदरवाइज पर्सनली किसी का किसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गेपिल की जो वर्किंग है उसको लेकर बहुत नाराज़ थे। उनके जो ऑफिसर हैं उनके जो मेम्बर्स हैं वो यहाँ तो हमारे उद्योगपतियों का किसी इंडस्ट्री वाले का फोन नहीं उठाते, कोई सही से जवाब नहीं देते, चार्जेस ऐसे मांग लेते हैं और अगर हम उनसे जवाब मांगते हैं कि ये चार्जेस किस चीज़ के हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पाते उस बात। तो एक तरह से वो मोनोपोली पे काम कर रहे हैं क्योंकि कोई और संस्था ही नहीं। तो हमने अपने मंत्री जी से जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं श्री गवरपाल जी से उनसे भी डिमांड रखी थी कि एक कोई और संस्था भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी ढूंढ ली जाए जो गेपिल के साथ खड़ी हो ताकि वो जो है कंपटीशन होगा तभी वो हमारी भी सुनवाई वहाँ पे हो पाए। लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाएं देखिए क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना अपना वर्किंग है तो मेरा अपना अनुमान है कि एक टन के करीब साल का एक वेस्ट निकल जाता है जो हम गेपिल को देते हैं। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी उसी बेस पे होता है जैसे हमने अनुमान लगाया होता है कि हमारे यहाँ से एक टन निकलेगा या 1500 किलो निकलेगा उसी के हिसाब से हमारा एग्रीमेंट और रेट होता है। कितने के यूनिट्स हैं सर यमुनानगर के? लगभग देखिए यहाँ पे पूरी अगर हम स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास का मिला लें तो यहाँ पे 300 से ऊपर ही यूनिट होंगे। इंडस्ट्री को अवेयर करना था पहले तो कैसे हमें वेस्ट को मिनिमाइज करना है, वेस्ट मिनिमाइज, जनरेशन कम हो, फिर उसको रीयूज करें, रिसाइकिल करें बेटर एनवायरनमेंट के लिए जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का रीयूज रिसाइकिल। कुछ पीछे हमारे मंत्री जी ने अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें मंत्री जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब ने कुछ इंडस्ट्री ने कुछ इशू उठाए थे रिगार्डिंग गेपिल जो वेस्ट पिक करती है, गेपिल कंपनी के बारे में कुछ इशू उठाए थे तो कुछ प्रॉब्लम्स थी तो चेयरमैन साहब के आदेश पे उन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आज ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो एक कंपनी हिंद से कोई भी इनका एग्रीमेंट डिले हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट है उसको विद इन 7 डेज हम सोल्व करवाएं। कंपनी से दिक्कत भी लोग काफ़ी थी? हाँ, जो भी दिक्कतें हैं वो आपके सामने आपने भी देखी हैं, जो भी है इनको हम विद इन 7-10 डेज में सोल्व करवाएं। किस तरह की प्रॉब्लम सर सामने आई है? उनका डिले हो जाता है कोई एग्रीमेंट, इनका आपस में एग्रीमेंट होता है एक वेस्ट उठाने का जो भी है वो डिले हो जाता है उसमें कुछ ये बता रही इंडस्ट्री बता रही है कि पेपर फॉर्मेलिटी ज़्यादा करवाते हैं, हम उसको भी देखेंगे वो मिनिमाइज हो। कुछ इनकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, यहाँ कुछ छोटी इंडस्ट्री है जिनमें वेस्ट कम निकलता है और ये फैसिलिटी जो है ये ऑपरेट करती है फरीदाबाद से तो उनका पिकिंग का दिक्कत है, कुछ इनका ट्रांसपोर्टेशन की वो है दिक्कत है। तो हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं जिनका सिमिलर वेस्ट है उसको कोई पर्टिकुलर डे फिक्स हो जाए उसी दिन उठाया जाए। हेल्प टैक्स के बारे में कुछ बात बताएं? हेल्प टैक्स बिल्कुल हमने यहाँ ओपन स्टेज पर ही बताया है कि अपने चेयरमैन साहब से परमिशन लेके हम बिल्कुल अपने ऑफिस में हेल्प टैक्स लगाएंगे जिसमें हेम्स का भी आदमी होगा एक और गेपिल का भी, उसमें डे फिक्स करेंगे उस दिन इन सब इंडस्ट्री वाले कोई भी वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी वो करेंगे कि गेपिल टोल फ्री नंबर दे ताकि कह रहे हैं फोन की जो भी दिक्कत है वो सोल्व हो। एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमारे ऑफिसर भी होंगे
जिसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के आदमी होंगे, हेम्स के होंगे, गैपिल के होंगे और हमारे ऑफिसर होंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली यमुनानगर के लिए, जगाधरी इंडस्ट्रियल एरिया यमुनानगर के लिए बनाएंगे ताकि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व हो। बिल्कुल जी।